सुषमा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मुझे मुझे ये कह रहा था कि मैंने आपसे एक नुस्खा लिया था, लहसुन अदरक और नींबू का रस और उसके अंदर वो जैतून का सिरका, तो वो मेरे बेटे को ब्लड प्रेशर था तो उसका ठीक हो गया है। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मतलब आप इतने अच्छे अच्छे नुस्खे बताते हैं। और अभी मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज वो आंसर कीजिए कि हमारे पड़ोसियों का बेटा है, उसको उसके प्राइवेट पार्ट में हर्पीज हो गया है, तो वो मतलब उसके लिए कोई नुस्खा बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। उम्र कितनी है? 40 साल। ठीक है मैम। हाँ देखिए, बहुत आपको मुबारक कि बच्चा आपका ठीक हो गया। ये ब्लड प्रेशर, ये हार्ट ब्लॉकेज, ये सब इतने तकलीफ दे रोग है कि पता नहीं कब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कब हार्ट पर कोई अटैक आ जाए। तो ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया, मैं दोहरा भी देता हूँ क्योंकि लोग बहुत सुन रहे हैं। और अब ये हो गया कि घर घर में ऐसे मरीज हो गए और बहुत कम उम्र लोगों को भी हार्ट की तकलीफ होने लगी, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की। तो ये नुस्खा दुनिया का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। लिख लें जिन लोगों को, क्योंकि हर घर में एक ऐसा मरीज तकरीबन होता ही है। तो जो नींबू आप जिसे कहते हैं, नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर और लहसुन का रस, या लहसुन को ऐसी पीस लें 1 किलो, और जैतून का असली सिरका। सिरके में बेईमानी बहुत है, असली लेना ज़रूरी है, लोग नकली बहुत बेचते हैं। ये अगर असली आपने लिया तो किसी को ब्लड प्रेशर हो और डायबिटीज़ हो उसके लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, पेट के लिए बहुत अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और दिल के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। बग़ैर ऑपरेशन के बेशतर लोगों की ब्लॉकेज खुल जाती है बग़ैर ऑपरेशन के भी। तो ये लिख के ज़रूर रखें, पता नहीं कब किसका किस बीमारी से वास्ता पड़ जाए। और आपको भगवान ने फ़ायदा दिया है तो आप पर ये ज़रूरी है कि इस नुस्खे को याद रखें। और आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे रोगों में ग्रस्त हैं, उन तक ये नुस्खा पहुंचाना शायद ज़रूरी है, पहुंचा दिया करिए। रहा सवाल हर्पीस का, नुस्खा लिख लीजिए ये भी। अलसी खरीदें और जैसे 100 ग्राम या 200 ग्राम अलसी खरीद कर इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना कर रख लें। अब आपके किचन में एक चीज़ पाई जाती है, खाने का सोडा, सोडा जो आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं वही सोडा किचन में जो होता है। तो एक चुटकी खाने का सोडा और एक या दो चुटकी नमक जैतून, ये असली लेना, नमक जैतून बहुत नकली आने लगा। एक या दो चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी में मिला दें। एक चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी नमक जैतून, 2 गिलास पानी मिला दें और इस पानी से अलसी जो मैंने आपको बताई है इसको 1/2 चम्मच मरीज खाए और ये पानी पी लें दिन में 1 बार या 2 बार। धीरे धीरे उस बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है जी।